हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत कम है, पर अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो अवश्य संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, एक चरवाहा था। वह बकरियों को लेकर के जंगल में चराने के लिए जाता था और उनको चरा करके वापस ले आता था। हालांकि देखा जाए तो वह बकरियां उसकी नहीं थी, वह उसके मालिक की थी, और वह बकरी चराने का काम करता था जिसके बदले में उसका मालिक उसको तनख्वाह देता था। एक दिन की बात है, वह लड़का बकरियां चराने के लिए जंगल को गया हुआ था। वह बकरियां चरा करके जब शाम को वापस आने का समय हुआ तो उसने अपनी बकरियों को आवाज़ लगाई। तब सारी बकरियां इकट्ठा होकर घर के लिए आने लगी, पर उनमें से एक बकरी ऐसी थी जिसको मटर गश्ती सूझी थी, उसके आवाज़ लगाने पर भी वह नहीं आई। उसके बाद उस लड़के ने दो तीन आवाज़ें उसको लगा करके बहुत प्यार से बुलाया, पर वह आने का नाम ही नहीं ले रही थी और जंगल में इधर उधर उछल कूद रही थी। यह देख करके उस लड़के को बहुत जोरों का गुस्सा आया। उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उठा करके गुस्से में उस बकरी के ऊपर मार दिया। जब वह पत्थर बकरी के पड़ा तो वह पत्थर बकरी के ऊपर ना पड़ करके उसके सींग में पड़ा, जिसके कारण उस बकरी का सींग तुरंत टूट गया। जब बकरी का सींग टूट गया, यह देख करके लड़के को बहुत दुख हुआ और वह उस बकरी कहने लगा कि सुनो बकरी, मैंने गुस्से में आकर के तुमको पत्थर उठा के मार दिया, पर मेरा यह औचित्य कतई नहीं था कि मैं तुम्हारी सींग पर मारूं और तुम्हारी सींग टूट जाए। वह तो धोखे से लग गया, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार आवाज़ दे रहा था पर तुम आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण मुझको गुस्सा आ गई। और इतना कहकर वह लड़का बकरी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि यह बात मालिक से मत बताना कि मैंने तुम्हें पत्थर मारा है जिसकी वजह से तुम्हारा सींग टूट गया है। बकरी कहने लगी, ठीक है, मैं इस बात को मालिक से नहीं बताऊंगी। और इतना कह करके वह उस लड़के के साथ साथ घर के लिए चलने लगी। पर जब वह घर के लिए आ रही थी तभी मन ही मन यह सोच रही थी कि अब मेरी यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मालिक से अपना टूटा हुआ सींग कैसे छुपाऊंगी, क्योंकि यह तो कोई छुपने वाली चीज है। फिर भी वह बकरी कुछ नहीं बोली और चुपचाप
टूटा हुआ सींग लेकर के घर पहुंची। जब सारी बकरियां घर पहुंची तब मालिक ने आकर के सारी बकरियों को देखा, पर उनमें से एक बकरी का जब सींग टूटा हुआ देखा तो मालिक को बहुत गुस्सा आया, पर उसने ना तो बकरी को कुछ कहा और ना ही लड़के को। वह बिना कुछ पूछे ही उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हम जो भी कार्य करते हैं वह गलत हो जाते हैं। जैसे कि उस लड़के ने गुस्से में आकर के एक पत्थर उठा करके बकरी को मारा, पर वह पत्थर बकरी की सींग में लगा और जिसके कारण बकरी का सींग टूट गया। जबकि बकरी ने उस बात को मालिक से बताया ही नहीं। उसके बावजूद मालिक इतना तो समझ ही गया था कि इस लड़के ने ही बकरी की सींग पे मारा होगा, तभी इसकी सींग टूट गई। और वह मालिक बिना कुछ कहे और सुने उस लड़के को नौकरी से निकाल देता है। दोस्तों, इसीलिए हम में से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे गुस्सा आता हो तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, क्योंकि हमेशा गुस्से में किया गया कार्य गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमको पछताना पड़ता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।